लोकसभा में रेप इन इंडिया के बयान पर बीजेपी के हंगामे और माफी की मांग पर राहुल गांधी ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मुझे निशाना बना रहे हैं। राहुल ने इसके साथ ही पीएम मोदी के दिल्ली को रेप कैपिटल बताने वाले पुराने बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मेरे फोन में क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था, इसे मैं ट्विटर पर डाल दूंगा, पूरा देश देख लेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने संसद से बाहर निकलते हुए कहा, माफी मांगने की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा, मैं इस मुद्दे पर कोई माफी नहीं मांगने वाला हूं। मुख्य मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मुझे निशाना बना रहे हैं। मैं याद दिला दूं आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था। मैं एक बार फिर अपना बयान यहां दोहराता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया कहा था, हमने सोचा था कि अखबारों में मेक इन इंडिया दिखेगा। आज जब हम अखबार देखते हैं, हर जगह रेप इन इंडिया दिखता है। राहुल ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था बर्बाद करने के लिए और अपने इस भाषण के लिए। मैं क्लिप साथ में अटैच कर रहा हूँ। मेरे फोन पे अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को रेप कैपिटल कहला रहे हैं, उसको मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, पूरा देश उसको देख सकता है। वायनाड से कांग्रेस सांसद ने कहा कि कोई ऐसा बीजेपी शासित राज्य नहीं है जहां महिलाओं पर अत्याचार की खबरें नहीं दिखती है। उन्नव में क्या हुआ, बीजेपी के विधायक ने लड़की की गाड़ी को जलाया। पूरे देश में हिंसा हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हिंसा हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हो रही है। आज रघुराम राजन जी मुझसे मिले और कहा कि हिंदुस्तान की ताकत अर्थव्यवस्था है। रघुराम राजन जी मुझसे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका में, यूरोप में हिंदुस्तान की बात ही नहीं हो रही है, और जब बात होती है इकोनॉमी की बात नहीं होती है। अत्याचार, डिविजन, हिंसा, इन चीजों की बात होती है। आज पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था की कहीं चर्चा नहीं हो रही। संसद से निकलते हुए मीडिया से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ठहर कर बात की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होगा कि देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने क्यों बर्बाद किया। उन्हें जवाब देना होगा कि महिलाओं पर क्यों अत्याचार हो रहे हैं, पूरा देश हिंसा की आंख में क्यों झुलस रहा है। जहां तक बात माफी की हो रही है तो मैं बता दूं कि मैं इनसे कभी माफी नहीं मांगने वाला हूं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।